हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कपड़े से मच्छरदानी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसकी जो चौड़ाई है तो आप लोग देख सकते हैं 34 इंच है, और इसकी लंबाई भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। 69 इसकी लंबाई है फ्रेंड्स। चाहे आप इसको बेड पे लगाएं, चाहे चारपाई पे लगाएं, तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए 3 इंच है हमारा जो हम डोरी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना। तो फ्रेंड्स क्या है कि ना, हमारे गांव में गांव के जो लोग होते हैं आज भी कपड़े के मच्छरदानी यूज करते हैं, बहुत से लोग हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, तो हमें जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ, उस से आप लोग को बनाना है। तो ये मैंने डोरी सी के कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। लोग आप लोग देख सकते हैं, तो इसको हम चार भाग में कर देंगे। तो फ्रेंड्स मेरी थोड़ा कैंची स्लो, बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो इसकी जो लंबाई है 16 इंच रखा है हमने। तो फ्रेंड्स जो साड़ी का जो आरी आरी लगता है, तो हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर देंगे एक में, तो हमारा इससे बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा साड़ी का दोनों भाग है एक में हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं। तो जो बीच में छतरी लगेगा, तो आप चाहे तो उसको नाप कर कट भी लगा सकते हैं, तो मैं कट नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक डोरी ले लिया है और जो छतरी है उसके ऊपर रख दिया है। तो ऐसे करके हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा देंगे फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, अब हम सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने एक और डोरी ली है, तो ये देखिए मैं डोरी को नीचे रखूंगी। तो फ्रेंड्स जो डोरी का भाग है वो अंदर होना चाहिए, सिलाई के बाहर नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा पक्का कर देंगे, तो ऐसे हम घुमा देंगे। आप चाहे तो कट भी लगा सकते हैं, तो हम कट नहीं लगा रहे हैं। तो ये देखिए हम घुमाकर सी दे रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी हमारी मच्छरदानी बनकर रेडी होगी, आप लोग देख लेना। तो हम इसकी भी सिलाई कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। थोड़ा हम पक्का कर लेंगे फ्रेंड्स। ऐसे मोड़ कर अब हम सिल देंगे, यहाँ से भी हम घुमा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो ये देखिए हम इसको भी लगा ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम थोड़ा पक्का कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब इसको डंडे में बांधते हैं तो थोड़ा अच्छे से सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, अब हम इधर भी सिलाई लगा देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बात और
साड़ी में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हमें थोड़ा बहुत जॉइंट करना पड़ता है। तो हमने जो ब्लाउज साड़ी था तो उसका जो ब्लाउज का पीस है उसको हमने नहीं निकाला था, तो हमें इसलिए जोड़ नहीं लगाना पड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कहीं भी जोड़ नहीं लगाया। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से बनाएंगे बहुत ही अच्छी रेड मच्छरदानी आप लोगों की तैयार होगी। तो ये देखिए, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मच्छरदानी बनके तैयार हो गई है। चाहे आप इसे चार पाई पे लगा दीजिए, चाहे तो आप बेड पे भी लगा सकते हैं और चौकी पर भी लगा सकते हैं।